मेरा नाम कायालान है, जिसे प्रोफेसर सिग्नल्स और अंजल्स के नाम से जाना जाता है। मैं आमतौर पर केवल अंग्रेजी बोलता हूँ और अन्य भाषाओं में नया हूँ। यदि मैं आपकी भाषा में चीजों का गलत उच्चारण कर रहा हूँ तो मुझे खेद है। मैं जो कह रहा हूँ उस पढ़ाने के लिए आप पेन की गई टिप्पणी या विवरण देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लिए एक प्रेरणा या प्रेरणा के रूप में देखें। हम प्रार्थना कराते हैं कि आप सभी को स्वस्थ भोजन, उचित भाषण, उचित व्यवहार, उचित कपड़े, उचित दूरी और सभी चीजों के विज्ञान और शरीर रचना का ज्ञान हो। मैं स्वतंत्र रूप से एक गैर पापी के रूप में रहता हूँ। मैं चिग्नस उद्योगन का संस्थापक हूँ और मैं अपने हमेशा के लाए घर की संपत्ति पर हूँ और चिग्नस उद्योगन के भविष्य के आगामी किसान बाजार, पशु अभ्यारण्य, शिक्षा पार्क और भविष्य के आविष्कार जैसे नेट्रेन ऑन के लाए किताबें और अधिक वित्तीय संघर्षों और मेरे सपनों के रास्ते में आने वाली पैसे की कठिनाइयों के कारण चिग्नस उद्योग प्रगति पर है। मैं आपको अपने जीवन के बारे में और अधिक बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन की कहानी आपको चौंका सकती है। गंभीर व्यवहार और अन्य चीजों के कारण मेरे माता पिता नहीं थे, जिन्हा का उल्लेख करना जाना दुखद है। मेरे भे और मेन सदम मेरी और बच्चों के रूप में हमारे पास केवल कुछ ही अच्छे पाल द। हम बच्चों के रूप में अलग हो गए और मेन बच्चों के घर और अकादमियन में चला गया। इस पहल की मुझे दूसरी जगह फेंक दिया जाता। मैंने शिक्षक अवसरों के बिना एक बेघर बच्चे के रूप में की साल बटे। मैं पूरे देश में अकेले गया। मैंने भूखमरी, गंभीर चोटन, मिस्टित्व के करीब के अनुभव, दौरे, गंभीर चोटन, कंकाशन सिंड्रोम और डरावनी स्थितियों में बचाव की तरह जूडो का उपयोग करने का अनुभव किया। जब मैं एक बेघर बच्चा था तो उन्होंने मुझे लगभग एक साल तक एक जगह पर रखा। फिर 18 साल की उम्र में मैंने वयस्क शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की और मुझे छोड़ दिया गया, फिर बाहर निकाल दिया गया। उसके कुछ महीनों बाद मुझे 3000 पाउंड की कार ने टक्कर मार दी। मेरी खोपड़ी में स्टाई चोट और फ्रैक्चर के साथ गंभीर चोटों के साथ मैंने 3 साल का था जब मुझे एक कार ने टक्कर मार दी थी और यह मेरे 19 साल के जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले था। गंभीरता के बावजूद मेरा फिर से जन्म हुआ और मैंने एक गैर पापी के रूप में जीने और बुरी को अपने जीवन से बाहर निकल आने का निर्णय लिया। मैं एक घर किराए पर लेने गया था, फिर मैं लगभग आधे साल तक बेघर रहा, फिर मैं अपार्टमेंट में रहा, फिर मैंने अपने सपनों का अपना उद्योग बनाया, फिर मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लायक कमाए वाले मालिकों के वित्त पोषण पर यह संपत्ति मिली। वर्षों से मेरे पास परिवहन के लिए एक साइकिल और वैगन है। यहाँ तक कि जब मेरी चोटन गंभीर रूप से घायल हो गई तब भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने की वर्षों तक एक गैर पापी के रूप में जीवन बिताया है। आपके आघात के बावजूद मैं आप सभी को गैर पापी बनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। कभी भी किसी भी आकार या रूप में हानिकारक कुछ भी ना चनन, वासना ना करें, प्रलोभन में ना पैदल, पापपौन भोजन ना करें और केवल उस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे पास अधिक संभावित छवि है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लाए एक प्रेरणा और प्रेरणा के रूप में देखें, क्योंकि आघात के बावजूद हम गैर पापी के रूप में रह सकते हैं और संतुलन, उचित व्यवस्था और कुशलता के अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।